नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 10 फरवरी। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार दरोगा बहाली की अप्रैल में होगी मुख्य परीक्षा। बिहार दरोगा बहाली के लिए अप्लाई करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। दरोगा बहाली की मुख्य परीक्षा का आयोजन बीपीएसएससी ने अप्रैल के महीने में करवाने का निर्देश जारी किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 2446 पदों पर दरोगा बहाली के लिए जनवरी महीने के आखिरी में बीपीएसएससी के पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें कुल मिलाकर 50072 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। बिहार के 3 स्कूली छात्र जाएंगे इसरो। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और इस बात को एक बार फिर से साबित किया है बिहार राज्य के स्कूली छात्र छात्राओं ने। हाल ही में इसरो ने युविका नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हर राज्य के 3 छात्रों का चयन किया जाएगा, जहां बिहार के 3 छात्रों का नाम भी शामिल होगा। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वह कौन से 3 छात्र होंगे जो इसरो संस्थान में 2 सप्ताह के लिए रहने के लिए भेजे जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इसरो द्वारा जारी किया गया कार्यक्रम की ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें भागीदारी लेने के लिए इसरो ने साइंस में रुचि रखने वाले छात्रों को 24 फरवरी को आवेदन भरने की मांग की है। चिराग पासवान ने लोजपा में शामिल होने वाले नेताओं को दिया प्रस्ताव। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तभी तो चुनाव आने से इतने दिनों पहले ही उन्होंने लोजपा पार्टी का हिस्सा बनने की इच्छा रखने वाले नेताओं के सामने एक प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत चिराग पासवान ने यह साफ कहा है कि जिन भी नेताओं को लोजपा पार्टी का हिस्सा बनना है, उन्हें पहले 25,000 सदस्य का पार्टी से जुड़ाव करना होगा। उन्होंने आगे कहा है कि पार्टी की शर्त को मानने वाले नेताओं को ही लोजपा पार्टी की तरफ से टिकट देने पर सोच विचार किया जाएगा। अगले महीने 5 दिनों तक बैंक की सेवाएं रहेंगी बंद। सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। जनवरी के आखिरी महीने में ही सभी बैंकों के बंद रहने पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से एक बार फिर सभी बैंक कर्मियों ने बंद का आह्वान किया है, जिसके तहत सभी बैंक कर्मी मार्च के महीने में लगातार 5 दिनों के लिए बैंक की सेवाएं बंद रखेंगे। हालांकि आपको बता दें, बंद का आह्वान करने वाली ये सभी बैंकें सरकारी होंगी। बंद का असर प्राइवेट बैंकों पर नहीं पड़ेगा। जदयू अब 62 लाख कार्यकर्ताओं को करेगा डिजिटली कनेक्ट। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी क्रम में जदयू ने भी अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए एक ऐलान किया है, जिसके तहत जदयू अब लगभग 62 लाख कार्यकर्ताओं को डिजिटली अपने साथ कनेक्ट करने वाली है, जिसका ऐलान जदयू मीडिया मुख्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि डिजिटली कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करने का उद्देश्य केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं से लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना होगा। स्वच्छता को बढ़ावा देने का काम कर रहा है बिहार का यह हैरी पॉटर। बिहार के सीतामढ़ी जिले का रहने वाला शशि भूषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता योजना का मुरीद है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता मुहिम की ये इतने कायल हो गए हैं कि इन्होंने उसके लिए अपना सब कुछ बेच दिया था। शशि भूषण आमतौर पर अपने साथ सफाई का सामान रखते हैं। जहां भी उन्हें लगता है कि सफाई की जरूरत है, वहां उसी वक्त शुरू हो जाते हैं। शशि भूषण की सफाई को लेकर इतनी प्रतिबद्धता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन्हें सम्मानित भी किया था। जगदानंद सिंह ने जदयू को लेकर फिर दिया बयान। राजद पार्टी की बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बार फिर से जदयू को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि चुनाव आने से पहले जदयू पार्टी में एक बार फिर से बड़ा बिखराव देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रणनीतियों से पार्टी के कई नेता खुश नहीं है। गौरतलब है कि पार्टी की मीटिंग के बाद राजद के शिवचंद्र राम और भाई वीरेंद्र ने भी लगभग यही बात दोहराई थी। इतना ही नहीं, शिवचंद्र राम ने तो जदयू के 25 से 30 नेताओं के लालू यादव के संपर्क में होने की बात भी कही है। इंटर परीक्षा की कॉपी की चेकिंग शुरू होगी 26 फरवरी से। बिहार बोर्ड की इंटर की परीक्षा अगले सप्ताह खत्म हो जाएगी, जिसके बाद से कॉपी की चेकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खबरों की माने तो कॉपी चेकिंग के लिए बिहार बोर्ड ने 26 फरवरी की तारीख का ऐलान किया था। वहीं मैट्रिक की परीक्षा के कॉपियों की बात करें तो मैट्रिक की परीक्षा का मूल्यांकन 5 मार्च से शुरू होगा। इसके साथ ही आपको बता दें, कॉपियों की जांच सही तरीके से करवाने के लिए शिक्षा विभाग के आनंद किशोर 15 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देंगे। बिहार की हस्तशिल्प कलाकृति मुंबई तक मनवा गई अपना लोहा। महाराष्ट्र में बिहार की गूंज पहले से ही सुनने को मिलती थी, और अब हाल ही में सांस्कृतिक रूप से भी पहली बार बिहार की हस्तशिल्प कलाकृति के रंग देखने को मिले। मुंबई के आर्ट्स फेस्टिवल के मौके पर विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति के साथ बिहार की कलाएं भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 1 फरवरी से 9 फरवरी तक चलने वाला उत्सव का उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने किया था। विक्रमशिला महोत्सव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द करेंगे उद्घाटन। 29 फरवरी और 1 मार्च को मनाए जाने वाले विक्रमशिला महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही करने वाले हैं, जिसके लिए जिला पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रण भेज दिया है। इतना ही नहीं, उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राजस्व मंत्री, जिला के प्रभारी मंत्री, पर्यटन मंत्री, कला सांस्कृतिक एवं युवा विभाग के मंत्री को आमंत्रण करने पर सोच विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही विक्रमशिला महोत्सव को लेकर 26 फरवरी को जागरूक यात्रा भी निकाली जाएगी।
आस्था सर्किट स्पेशल से अब कर सकेंगे मंदिरों का दर्शन। आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। अब रेलवे विभाग आपके लिए एक खास तोहफा लेकर आया है, जिसके तहत 12 मार्च से आस्था सर्किट स्पेशल आम लोगों को तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप यह आस्था सर्किट अब यात्रियों को अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश, माता वैष्णव देवी समेत कई तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाएगा। वहीं इस तीर्थ स्थलों के लिए लगने वाले खर्चों की बात करें तो 9 दिन के इस सफर के लिए यात्रियों को 8,585 रुपए देने होंगे, जिसको अब नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी बुकिंग करवा सकते हैं। उद्योग मेले में दिखे इलेक्ट्रिक बाइक से लेकर देसी साबुन। पटना के गांधी मैदान में आयोजित उद्योग मेले में इस साल इलेक्ट्रिक बाइक से लेकर देसी साबुन तक देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, गांधी मैदान में लगे इस उद्योग मेले में देश की 300 से अधिक कंपनियों ने स्टॉल लगाया है। इन स्टॉल पर औद्योगिकी उत्पादों से लेकर घरेलू सामग्री तक की बिक्री काफी जोर शोर से हो रही है। वहीं मेले में प्रवेश करते ही बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉल देखने को मिल जाते हैं। वहीं गाड़ियों की बात करें तो यहां पर जेसीबी मशीन से लेकर ट्रैक्टर्स तक की बिक्री की जा रही है। पटना जंक्शन दानापुर और राजेंद्र नगर के पास बनेगा शॉपिंग मॉल। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर बैठना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जल्द ही पटना जंक्शन दानापुर जंक्शन राजेंद्र नगर टर्मिनल पर मॉल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि केंद्रीय बजट में रेलवे की खाली पड़ी जमीनों पर इन शॉपिंग मॉल को बनाने का निर्देश जारी किया गया है। इतना ही नहीं, मॉल के निर्माण के साथ साथ अधिकारियों के लिए अत्याधुनिक आवासीय परिसर तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही खबरों की माने तो स्टेशन के पास मॉल के निर्माण के अलावा सिनेमाघरों के निर्माण करवाने पर भी सोच विचार किया जा रहा है। अब आप भी WhatsApp पर चैटिंग के पैटर्न को कर सकते हैं चेंज। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp पर जल्द ही एक नया फीचर लागू होने जा रहा है, जिससे कि अब सभी यूजर्स अपने चैटिंग का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। यानी कि अब WhatsApp में जल्द ही एक ऐसा फीचर लाया जा रहा है जो कि अब यूजर्स खुद से ही कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसके बाद अब डार्क मोड, वॉलपेपर, किसी भी चैट को स्टार मार्क, फॉन्ट चेंज जैसे तमाम चेंजेस आप खुद से एक क्लिक में कर सकते हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा के छठे दिन कई अभ्यर्थी नहीं हुए शामिल। इंटर परीक्षा खत्म होने की कगार पर है, जहां पर इस बार इंटर परीक्षा के दौरान बिहार बोर्ड ने तमाम सुरक्षा इंतजाम किए थे, मगर इस बार परीक्षा में भरे गए फॉर्म के समानांतर परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर मौजूद नहीं दिखे, जिसके तहत परीक्षा के छठे दिन 537 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस बार होने वाली परीक्षा पर शिक्षा विभाग पूरी तरीके से नजर बनाए हुए थे, जिसके तहत हर दिन परीक्षा की पूरी वीडियोग्राफी की जाती है। राम मंदिर के निर्माण के लिए महावीर मंदिर देगा करोड़ों रुपए। कई साल बाद राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके बाद से राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया तेज की जा रही है, जिसके तहत हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्रस्ट कमेटी का गठन भी किया है। वहीं बिहार के महावीर मंदिर के ट्रस्ट ने भी राम मंदिर के निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी देने का ऐलान किया है, जिसके तहत राम मंदिर के निर्माण के लिए पटना के महावीर मंदिर ने 10 करोड़ की राशि किश्त में देने का निर्देश जारी किया है, जिसके तहत बीते शनिवार को 2 करोड़ की राशि महावीर मंदिर में राम मंदिर निर्माण के लिए देने के लिए महावीर मंदिर के ट्रस्ट सचिव किशोर कुणाल राम मंदिर स्थल के लिए रवाना हो गए थे। कोरोना की एक और व्यक्ति में होने की आशंका छटी। बिहार के भागलपुर जिले में हाल ही में चीन से लौटे एक व्यक्ति में कोरोना के होने की आशंका जताई गई थी, जिसके बाद उस व्यक्ति की जांच पड़ताल की जा रही थी। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो गया है कि उस व्यक्ति में कोरोना के लक्षण नहीं है, यानी कि बिहार में कोरोना के फैलने की एक और आशंका खत्म हो गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, चीन से लौटे छात्र ने खुद ही अपने अंदर कोरोना होने की आशंका जताई थी। कन्हैया कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक बार फिर की मांग। सीएए और एनआरसी को लेकर बिहार के जिलों में जनगणमन यात्रा पर निकले कन्हैया कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक बार फिर मांग की है, जिसके तहत उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संसद में सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने की अपील की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हाल ही में कन्हैया कुमार को बेतिया में जनसभा करने की अनुमति देने के बाद ही वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव लाने की अपील कर रहे हैं। पटना से दिल्ली और कोलकाता जाना अब हो जाएगा और भी आसान। पटना से दिल्ली और कोलकाता सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना। रेलवे विभाग ने पटना से दिल्ली और कोलकाता सफर करने वाले यात्रियों के लिए हावड़ा पटना दिल्ली रूट पर झाझा से दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के बीच ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाने का ऐलान किया है। रेलवे विभाग ने जिसके लिए स्पीड ट्रायल ले लिया है। खबरों की माने तो रेल सुरक्षा आयोग से मिली मंजूरी के बाद इस रेलखंड पर LHB ट्रेनों को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा, जिससे कि पटना से दिल्ली और कोलकाता जाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। राष्ट्रीय मास्टर्स गेम में बिहार के युवा को मिली जीत। राष्ट्रीय मास्टर्स गेम्स में बिहार के युवा ने अपना परचम फहराया है, जिसके तहत गुजरात के बड़ोदरा में आयोजित तीसरे राष्ट्रीय मास्टर्स गेम्स के 65 साल आयु वर्ग में तैराकी में 100 मीटर फ्री स्टाइल कैटेगरी में बिहार के मुरारी मोहन शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं 50 मीटर फ्री स्टाइल श्रेणी में उन्होंने रजत पदक जीता है। मास्टर्स गेम्स एसोसिएशन ऑफ बिहार के महासचिव संजय कुमार सिन्हा ने मुरारी मोहन शर्मा को 2 पदक जीतने पर बधाई देते हुए राज्य की ओर से सम्मानित करने का दावा भी किया है।
अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे अफरोज आलम शाही की। अफरोज आलम शाही का जन्म बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में हुआ था, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई भी की थी, जिसके बाद अफरोज दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज से अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी, जिसके पश्चात उन्होंने अपने मास्टर्स की डिग्री भी वहीं से पूरी की थी। अफरोज आलम शाही एक पत्रकार, लेखक और मीडिया व्यक्तित्व हैं, जो भारतीय राजनीति और समाज से संबंधित विषयों पर अक्सर बातचीत करते नजर आए हैं। वर्तमान में वह बियॉन्ड हेडलाइंस में बतौर संपादक काम कर रहे हैं। वैशाली के बुद्ध स्तूप में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। गौतम बुद्ध के जीवन समय के गौरव का वर्णन करता बुद्ध स्तूप बहुत ही सुंदर और दर्शनीय है। अगर आप यहाँ घूमने आए हैं तो प्रयास करें कि सूर्योदय के समय पहुँचे, उस समय यहाँ का दृश्य सबसे सुंदर और मनोहर होता है। आप इस खूबसूरत सुबह को अपने कैमरे में भी कैद कर सकते हैं। यहाँ प्रवेश के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना होता है। नेपाल के 15 साल के बल्लेबाज ने 50 रन के साथ तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड। नेपाल के कीर्तिपुर क्रिकेट ग्राउंड पर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 2019-22 के मैच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ खेल रहे मेजबान नेपाल टीम के एक 15 साल के खिलाड़ी ने अर्धशतक लगाकर शानदार पारी खेली है। इतना ही नहीं, नेपाल टीम के कुशल मल्ला ने अर्धशतक के साथ ही भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इसके साथ ही नेपाल टीम के 15 साल के बल्लेबाज कुशल मल्ला ने सबसे कम उम्र में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अब चले बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। ठंड से अभी भी लोगों को राहत नहीं मिली है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी, मगर बादल छाने के कारण कुछ जगहों पर बारिश होने के भी आसार है। तो वही मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिनभर धूप निकलने की संभावना है, मगर कुछ जगहों बादल छाने से ठंड में इजाफा हो सकता है। आदित्य रॉय कपूर और दिशा पाटनी की फिल्म लोगों को खूब आ रही है पसंद। आदित्य रॉय कपूर और दिशा पाटनी की नई फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही सुर्खियों में थी, और रिलीज होने के साथ ही अब यह फिल्म पर्दे पर भी वाहवाही बटोर रही है। फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन को देखें तो इस फिल्म ने पहले दिन 6 करोड़ रुपए की कमाई की थी, वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने 6 करोड़ की ही कमाई की। वहीं तीसरे दिन रविवार को इस फिल्म के हुए कलेक्शन के बाद अब तक इस फिल्म ने कुल मिलाकर 20 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें है प्रमोद यादव, यूट्यूबर सुधीश राज, राइटर अरविंद बिहारी, अबू नवाज आलम, मोहम्मद वसीम आलम, पिकेंद्र कुमार गुप्ता, सोनू कुमार, अमित कुमार, कमल देव राव, अनुराग सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम आपका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, कल हम आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके हिसाब से बिहार सरकार की सबसे अच्छी योजना कौन सी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।